दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार देर रात लगभग 1 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ शुरू होने के करीब 8 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 और 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान 1 जवान भी घायल हो गया। घायल जवान को उपचार के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान ही जवान ने दम तोड़ दिया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के सुचारू कामकाज के लिए नए नियम जारी किए हैं। प्रदेश में पुलिस, IAS, IFS, एंटी करप्शन ब्यूरो अब सीधे उपराज्यपाल के नियंत्रण में होंगे। इसके साथ ही लोक व्यवस्था पर भी उनका सीधा नियंत्रण होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गृह मंत्रालय ने ये नियम जारी किए हैं। देश भर में लॉकडाउन के अनलॉक होने के बाद राज्य में कई जगहों पर मंदिर भी खुल गए हैं, लेकिन जिला सांबा के मंदिर नहीं खुलने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश सम्बयाल ने प्रशासन की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन सांबा में लगातार लॉकडाउन करता रहता है। कश्मीर घाटी के जिला शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में अल बदर के जिला कमांडर शकूर पर्रे समेत 4 आतंकियों को मार गिराया। ये भाजपा से जुड़े श्रीनगर के पंच निसार अहमद के अपहरण और हत्या में शामिल थे। इनसे 2 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल व अन्य गोला बारूद बरामद किया गया है। IG कश्मीर विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंच के अपहरण व हत्या में शामिल शकूर और सुहेल भट्ट समेत 4 आतंकी मारे गए। 1 आतंकी को जिंदा मौके से पकड़ा गया है। जम्मू संभाग में बिना लक्षण वाले COVID-19 संक्रमित अब होम आइसोलेट किए जाएंगे। महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए कश्मीर संभाग की तरह ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने होम आइसोलेशन का दोबारा निर्णय लेते हुए इसे लागू कर दिया है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के त्राल इलाके में तलाशी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का ठिकाना मिला, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी ठिकाने से सुरक्षा बलों को कुछ संदिग्ध व आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। देश भर में जुलाई में मॉनसून सामान्य से 10% कम रहा, लेकिन अगस्त में बड़ी भारी बारिश ने दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 28 अगस्त तक देश में 25% ज्यादा बारिश पड़ी है। देश में पड़ी बारिश ने पिछले 44 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गैर बीजेपी शासित राज्य जहां नीट और JEE परीक्षाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, वहीं सोशल मीडिया में भी इसके विरोध में जोर पकड़ा। ट्विटर पर इन परीक्षाओं के विरोध वाला #SpeakUpForStudentSafety को 22.5 लाख पोस्ट के साथ पूरी दुनिया में टॉप 10 में रहा। विद्यार्थियों ने परीक्षा आयोजित करने का विरोध किया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LEC पर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की 6th दौर की बातचीत अगले हफ्ते होगी। तनाव कम करने की दिशा में अब तक नाकाम रही 5th दौर की सैन्य वार्ता की पटरी पर लाने की कोशिशों में दोनों तरफ से तेजी के संकेत मिले हैं। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर जारी घमासान का निपटारा करने की ठान चुके पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्य समिति की बैठक के बाद दूसरी बार गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की। राहुल गांधी ने आजाद को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं का निपटारा किया जाएगा और जल्द से जल्द पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती पर CBI का शिकंजा कस गया है। मामले में पहली बार रिया को CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया। सुबह करीब 11 बजे रिया DRDO गेस्ट हाउस पहुंची और देर रात वहां से निकली। CBI ने करीब 10.5 घंटे तक रिया से पूछताछ की। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटों में आज 76,472 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1,021 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 34,63,973 हो गया है, तो वहीं अब तक इस महामारी से 62,550 लोगों की मौत हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि आने वाली सर्दियों में यूरोप समेत
पूरी दुनिया में कई हिस्सों में कोरोना वायरस का कहर बढ़ेगा। इस दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ेगी और मरने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा।